आइए अब हम देखते हैं कि जब आप अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए सामान लेते हैं तो उसमें क्या क्या सामान लगता है और क्या क्या सामान लगाया जैसे जा कि सकता हम है। जानते हैं कि जब ढलैया हो जाती है, ढलैया हो जाने के बाद से हमें जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, आज हम आपको घर के अंदर चल के दिखाएंगे कि वो प्रोडक्ट कौन कौन सा होता है, उसका क्या क्या नाम है। आइए अब हम देखते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पाइप है जो लोअर क्वालिटी की पाइप होती है, मतलब जो छत में ना यूज करके दीवारों के लिए यूज किया जाता है तो उसको लो पाइप कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये क्लिप है 25 mm का, इस पाइप बाहर ना आ सके इसके लिए लगाया जाता है। और ये जो नीचे है ये जंक्शन बॉक्स है, इसमें जो छत में डाला जाता है उसको डिप जंक्शन कहते हैं, और ये जंक्शन बॉक्स है चारों तरफ से जो आता है यहाँ पे, इसमें हम बल्ब का भी यूज कर सकते हैं या किसी भी पॉइंट को देने के लिए। ये एक घर का हम आपको इंटीरियर दिखा रहे हैं, क्या क्या आपके घर में आप लगा सकते हैं आप खुद जान सकते हैं। जैसे कि इन्होंने अपनी ज़रूरत की मॉड्यूलर बोर्ड लगा रखा है, तो ये इसको GI मेटल बॉक्स कहते हैं, ये GI मेटल बॉक्स है। इसके ऊपर हम किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का प्लेट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने 25 mm का क्लिप का यूज किया हुआ है। जैसे ये नीचे देख रहे हैं ये पावर सॉकेट के लिए यूज किया गया है, यहाँ पे कभी भी आपको जो पावर सॉकेट के लिए यूज करना हो। ये किचन का इंटीरियर है इनका, यहाँ पे भी देखिए जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है ऊपर, ये जंक्शन बॉक्स से यहाँ तक, ये यहाँ पे भी बल्ब पॉइंट देने के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आप अधिकतर देखेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं वो अलग अलग इसमें मॉड्यूलर बॉक्स आते हैं, जैसे कि एक 2 मॉड्यूलर आता है, 3 आता है, 4 एक्स आता है, फिर 8 आता है, 8 में ये लॉन्ग लगा हुआ है आपका, ये MCB बॉक्स के लिए जगह बनाकर छोड़ दिया गया है। जब इनकी प्लास्टर हो जाएगी तो ये पाइप अंदर चला जाएगा, ये ऊपर अभी काम चल रहा है। अभी इसका ऊपर का जो फैन बॉक्स का लगा हुआ है उसको निकाला जाएगा।